अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो NTS फर्टिलाइज़र में मैनेजमेंट ट्रेनी के जो जॉब्स हैं उसके हवाले से है। NTS फर्टिलाइज़र मैकेनिकल इंजीनियर जॉब्स डिटेल्स एंड पेपर पैटर्न, दो चीज़ें होंगी इसमें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और इस वीडियो के हवाले से फीडबैक ज़रूर दें, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और इसके अलावा इसमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हम जो है अगली वीडियो अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं, किसी पेपर के हवाले से चाहते हैं, तैयारी के हवाले से चाहते हैं, तो मुझे ये ज़रूर बताएं। आइए जी बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेस्ट शेड्यूल, इनका जो टेस्ट शेड्यूल है वो ये अनाउंसमेंट हुई थी 1 दिसंबर 2019 को, और जो पहला बैच था उसकी जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की वो थी 18 दिसंबर 2019, और इनका टेस्ट होगा 12 जनवरी 2020। उसके बाद जिन्होंने किया है 28 जनवरी 2020, उनका जो है टेस्ट वो 23 फरवरी 2020 होगा, और जो तीसरा बैच है वो मंडे 4 मार्च 2020 तक, 4 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं, और इनके जो टेस्ट डेट है वो संडे 19 मार्च 2020 होगा। तो आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें है हमारी ये जॉब डिटेल्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग मेंटेनेंस की। इसमें जो है सबसे पहले टाइटल जिस पे आपने अप्लाई किया है वो उनमें जो जिनका ये है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मेंटेनेंस, जॉब कैटेगरी मैनेजमेंट है, सब कैटेगरी है प्लांट मैकेनिकल, प्लांट मेंटेनेंस मैकेनिकल। लोकेशन जो है गोट मक्की लोक मच्छी रहीम यार खान और मीरपुर मेथलो गोट की, इनके दो प्लांट हैं, इनमें होंगी थी, इनमें से किसी पे भी किसी की हो सकती है। 4 ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्राम HSC PEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मिनिमम एजुकेशन जो रिक्वायर है, फील्ड ऑफ स्टडी जो है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो, और कंसंट्रेशन जो है इसमें मैकेनिकल हो, मैकाट्रॉनिक्स हो और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो। अच्छा, इसमें ना वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने नोट में लिखा हुआ है, जिनका भी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जो है इसके लिए NTS टेस्ट रिक्वायर्ड है, जिसमें जो है मैक्सिमम इंडिविजुअल स्कोर इज़ मैंडेटरी फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन मेरिट। उसके बाद जो स्केचुअल है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ NTS का, और इसके बाद जो है इससे पहले ये जो नोट में लिखा हुआ है कि इससे पहले जो उन्होंने गैट क्लियर किया हुआ होता था जनरल गैट जनरल, वो इसमें अप्लाई कर सकते थे, उनको टेस्ट नहीं देना पड़ता, अब उन्होंने ये ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो है वर्क एक्सपीरियंस नो मैंडेटरी नॉट मैंडेटरी, मैक्सिमम एज 27 ईयर है और सिंगल होना चाहिए, मैरिड नहीं होना चाहिए कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद जी डिज़ायर्ड पर्सनल क्वालिटीज़, यंग हो, सेल्फ ड्रिवन हो, इमेजिनेट इंडिविजुअल विद हाई लीडरशिप पोटेंशियल एंड कैपेसिटी टू थिंक एंड वर्क इंडिपेंडेंटली, ये मेरे ख्याल में आप सब लोगों में होंगी चीज़ें। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ए पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन ग्रुप, दिस ट्रेनीज विल बी वर्किंग इन टर्म्स मैनेजिंग मैकेनिकल मेंटेनेंस ऑपरेशन ऑफ द प्लांट। पोस्टेड जो है वो बता चुका हूँ मैं आपको, और इसकी लास्ट डेट अप्लाई की भी वो भी आ चुकी है। उसके बाद ही नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा पेपर पैटर्न कंटेंट वेटेजेस फॉर MT इंजीनियर रिटन टेस्ट, वर्बल रीजनिंग, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें जो है वर्बल रीजनिंग वो 25% होगी, एनालिटिकल रीजनिंग 25% होगी, और सब्जेक्ट के जो रेलिवेंट है वो भी 25% होगी, और टोटल ये 100 होगा। अभी आ जाते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तरफ। देखें ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, ये जो है मैकेनिकल इंजीनियर की है। इसके बाद की मैं वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें बाकी सब की भी आ जाएगी। देखें मैकेनिकल में क्या क्या होगा, जो 50% है पावर प्लांट्स एंड थर्मोडायनामिक्स 10% होगा,
उसके बाद जी इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स 10% होगा, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 10% होगा, मशीन डिज़ाइन 5% होगा, मैकेनिकल मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 5% होगा, मैकेनिकल वाइब्रेशन 5% होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 5% होगा। तो ये है पेपर पैटर्न, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग तैयारी करें। इंशाल्लाह मैं भी इस पर जल्द वीडियोस बनाऊंगा इसकी प्रिपरेशन के हवाले से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आप हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ टेस्ट के हवाले से, और की आपकी राय हो तो ज़रूर बताएँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।